12 और 13 फरवरी को हमें आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन होते हुए नजर आने वाला है। और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से तीन बड़ी खबरें या फिर कह ले तीन बहुत बड़े अपडेट बाहर निकल कर आए हैं। तो तीनों ही बड़ी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आईएमआई की टीम की ओर से निकल कर आई है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े फैन, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़ी हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की, जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वह महिला जयवर्धनी को लेकर। मुंबई इंडियंस की टीम के हेड कोच है जो महिला जयवर्धन है, वो नीलामी के लिए बेंगलुरु पहुंच गए और महिला जयवर्धनी क्वारंटीन भी हो चुके हैं। और महिला जयवर्धन ऑक्शन की तैयारियों में भी पूरी तरह से लग चुके हैं और हमें महिला जयवर्धन अब स्ट्रेटेजी बनाते हुए आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए नजर आने वाली है। और मुंबई इंडियंस की टीम काफी एक्टिव दिख रही है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर। तो यह बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया महिला जयवर्धनी को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वो अजीत आगरकर को लेकर। इंडियन टीम के जो पूर्व खिलाड़ी अजीत आगरकर, उन्होंने काफी बड़ा बयान मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर दिया है। अजीत आगरकर का कहना है कि मुंबई इंडियंस की टीम को अपना कोर मेंटेन करना चाहिए और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम को अपने टीम के पुराने खिलाड़ी को लेना चाहिए जो आईपीएल 2020 और आईपीएल 2021 के सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। और अजीत आगरकर ने मुंबई इंडियंस की टीम को नाम भी सजेस्ट किया है जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम को वापस से इस मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहिए। अगर बात की जाए पहले खिलाड़ी की, तो उस खिलाड़ी का नाम है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को वापस से खरीदना चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम का अजीत आगरकर का कहना है। और काफी की प्लेयर साबित हो सकते हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस की टीम खरीद लेती है तो काफी बेनिफिट मुंबई इंडियंस की टीम का आईपीएल 2022 के सीजन में होने वाला है, अजीत आगरकर का कहना है। और दूसरा ऑप्शन अजीत आगरकर ने यह रखा है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए कि इस टीम को ईशान किशन को भी आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहिए और हमें रोहित शर्मा आईपीएल 2022 के सीजन में और ईशान किशन ये दोनों मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो काफी बड़ा स्टेटमेंट अजीत आगरकर ने मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम को अजीत आगरकर ने दो बड़े खिलाड़ियों के नाम दिए हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम को अपना कोर मेंटेन करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को वापस से इस मेगा ऑक्शन में खरीदना चाहिए और ये दोनों खिलाड़ियों को जितने पैसे स्पेंड कर सकती है मुंबई इंडियंस की टीम उतने पैसे स्पेंड करना चाहिए और ये दोनों बड़े खिलाड़ी को इस मेगा ऑक्शन में से इजीली खरीद कर अपनी टीम में इंक्लूड कर लेना चाहिए। वैसे आप कितनी सहमति रखते हो अजीत आगरकर के इस स्टेटमेंट से, तो आप अपने रिकमेंड बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी बड़े अपडेट की, जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आया है आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले, वह जेसन होल्डर को लेकर। जेसन होल्डर को हमें मुंबई इंडियंस की टीम इस मेगा ऑक्शन में खरीदते हुए नजर आ सकती है और मुंबई इंडियंस की टीम ने अप्रोच भी किया है जेसन होल्डर को। और जेसन होल्डर अभी जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का वनडे सीरीज है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस जेसन होल्डर कर रहे हैं, तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम जेसन होल्डर के परफॉर्मेंस को देखते हुए और कैरन पोलार्ड के बैकअप के रूप में हमें जेसन होल्डर को इस मेगा ऑक्शन में से परचेज करके अपनी टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आ सकती है। और जेसन होल्डर 5 से 6 करोड़ रुपए में इसलिए मुंबई इंडियंस की टीम को इस मेगा ऑक्शन में मिल जाएंगे, तो हमें मुंबई इंडियंस की टीम जेसन होल्डर को भी इस मेगा ऑक्शन में परचेज करके अपनी टीम में हमें इंक्लूड करते हुए नजर आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कौन से खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए, तो आप अपने रिकमेंड बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।